फाइनेंशियल मार्केट्स में मुख्तलिफ तरह के इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेल करते हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फाइनेंशियल मार्केट में कौन से मुख्तलिफ तरह के रेट्स हैं रेट्स का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो डिटर्मिन कैसे होती हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिकली हम ख़रीद और फरोख कर रहे हैं डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स की सच आज़ हम लोन की बात कर रहे हैं हम एक uh, कितनी रखनी है ये डिसीशन ले रहे हैं हम डेरिवेटिव्स बाय कर रहे हैं ऑप्शंस को परचेज हैं या सेल कर रहे हैं और इस ये सारा जब आप बिज़नेस को अंडरटेक करते हैं तो इनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की इंटरेस्ट रेट्स लगाए जाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स आपको हेल्प करते हैं टू डिसाइड कि मुझे अपना पैसा किधर इन्वेस्ट करना है या किधर डालना है सो द फ्लो ऑफ द फंड्स बेसिकली इज़ डिटर्मेंड बाय वन की वेरिएबल एंड दैट की वेरिएबल इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट या आप उसको बोल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मुझे कितना मुनाफा मिलेगा मैं अगर अपने पैसे ऑप्शन uh, ए um, में डालूँ ऑप्शन बी में डालूँ ऑप्शन सी में डालूँ या मेरे अपने पास रख लूँ या फ़लां बैंक में डाल दूँ सो so, मुझे डिसीजन लेने हैं कि मुझे अपने इन पैसों को क्या करना है के साथ क्या करना है ताकि मुझे सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचे राइट सो उसके लिए आई नीड टू कंसिडर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट्स दैट आर प्रवेलिंग इन द मार्केट सो तीन अहम तरह के इंटरेस्ट रेट्स तीन अहम तरह के रेट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है द फर्स्ट थिंग इज द इंटरेस्ट रेट इट इज़ बेसिकली द प्रोमिस्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ डिसाइडेड और एग्रीड अपॉन प्रायर टू अंडरटेकिंग एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी आपको किसी को लैंड करने हैं पैसे आप किसी से बोरो करने हैं पैसे तो आपको एक रेट बोरोइंग या लैंडिंग से पहले बताया जाएगा ये एग्रीड अपॉन रेट है पहले का सो so, उसमें क्या है कि आपको बेसिकली हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिटर्मिन इट वेन वेन एवर वी नीड टू वी लुक एट अ सर्टन नंबर कि मैंने क्रेडिट कार्ड बाई किया है और उसके ऊपर मुझे उन्होंने बोला अगर आप इतना ट्रांजेक्शन करेंगे इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके तो उसके ऊपर आपको थर्टी परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी या 25 फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा या फिर फोर्टी परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा तो दिस विल बी प्री एग्रीड सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फाइन एंड द इम्पॉर्टेंट एक तो इंटरेस्ट रेट हो गया दूसरा इसी तरह से जब आपने घर को फाइनेंस uh, कराने आपके पास घर के खरीदने के पैसे नहीं है या किसी इंडिविजुअल ने या ग्रुप ने कोई घर लेने हैं और उसके लिए वो बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें घर को परचेज करने के लिए या घर की फाइनेंसिंग के लिए हमें पैसा दरकार है तो उनको जो रेट बताया जाता है जिसके ऊपर वो लोन लेंगे घर को बनाने के लिए या घर को एक्सपैंड करने के लिए या घर की रेनोवेशन करने के वास्ते दैट वुड बी द मॉर्गेज रेट अगैन सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ द इंटरेस्ट रेट दैट इज़ प्रिवेलिंग इन अ फाइनेंशियल मार्केट सो द थर्ड टाइप ऑफ रेट इज़ द कमर्शियल लोन रेट सो जब आपने कमर्शल बेसिस के ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लोन लिया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो वो आपको एक रेट देंगे सो दीज आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ इसके अलावा भी बहुत से रेट्स प्रिवेल करते हैं मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मगर दीज आर द्री मेजर रेट्स दैट आर कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट रेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट सो द द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ दीज रेट्स आर इस्टेब्लिश्ड इनको डिटर्मिन कैसे किया जाता है सो so बेसिकली किसी भी सेक्टर में कितना रिस्क है सो दैट इजर वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड बेस्ड अपॉन नंबर वन द यूनिट ऑफ अकाउंट कि आप किस चीज़ के लिए कितने पैसों के लिए uh, के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं सो इफ इट इज़ अज अमाउंट इफ इट इज अ स्मॉल अमाउंट दैट मैटर्स क्योंकि अगर मुझे कहीं से सिर्फ एक लाख रुपया बोरो करना है और मुझे कहीं से सौ करोड़ रुपए चाहिए तो दोनों में फ़र्क होगा इंटरेस्ट में सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर हाउ मच टाइम पीरियड आई एम टेकिंग द मनी सो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और साथ में उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है सो so, अगर मैं ओवर नाइट uh, एक रात के लिए एक दिन के लिए पैसा बौ कर रही हूँ तो नेचुरली उसमें लेस रिस्क इन्वॉल्व है और टाइम पीरियड कंसिडर होगी इट विल बी फ्यू आवर्स सो इंटरेस्ट रेट विल बी वेरी लो एज़ कम्पेयर टू इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ मनी इज़ बोरोड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड तो सबसे पहले जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ अकाउंट फॉर होती है दैट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अकाउंट फॉर हो रही है दैट इज द टाइम पीरियड और द ड्यूरेशन फॉर विच यू आर बोरोइंग द मनी और फॉर विच द मनी इज़ बींग बोरोड एन अदर इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट टाइप ऑफ बोरोइंग लैंड आपने घर बाय करने के लिए पैसे लिए हैं बैंक से या आपने कमर्शल लोन लिया है तो उसके साथ में जो आपके डिफरेंट तरह के डिफ़ॉल्ट के रिस्क हैं uh, कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे इसकी प्रॉबीबिलिटी क्या है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इन इंटरेस्ट रेट सो इफ़ द डिफ़ॉल्ट रिस्क इज़ हाई और कि ये पैसे डूब जाने के चांसेस ज़्यादा हैं तो नेचुरली आपकी इंटरेस्ट रेट पर ज़्यादा हो जाएगी और अगर डिफ़ॉल्ट रिस्क इज़ वेरी लो इसलिए कहते हैं आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा रखें उसको मेंटेन करें अच्छा वाला कि आपके जो ड्यू डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने रीपेमेंट करे हुए आपने तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी तो नेचुरली बैंक आसानी के साथ आपको लैंड करेंगे पैसे और आपको इंटरेस्ट रेट भी रेलेटिवली कम चार्ज करने को करना पड़ता है सो बेसिकली वैन वी आर वैन वी कंसिडर और लुक एट द मेजर डिटर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट देर आर दीज थ्री फैक्टर्स द फर्स्ट वन इज अट अकाउंट देन वी हैव द टाइम पीरियड फॉर विच यू आर बोरोइंग द मनी एंड द थर्ड वन इज़ द डिफॉल्ट रिस्क सो टू गैदर दीज थ्री थिंग्स हेल्प अस इन डिटर्मिनिंग वॉट विल बी द इंटरेस्ट रेट इसके बैक एंड के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज द बैंक रेट द प्रिवेलिंग बैंक रेट बैंक रेट हमेशा जो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है वो डिफ़ाइन करती है और अभी जैसे पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी में डिफ़ाइन होता है आपका बैंक रेट क्या होगा बैंक रेट फॉर्म्स द थ्रेश ये बेस रेट है जिसके ऊपर आपके बाकी के सारे के सारे इंटरेस्ट रेट्स कैलकुलेट होते हैं डेवलप होते हैं इस्टेबलिश होते हैं तो बैंक रेट डिफ़ाइन करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान और इसके ऊपर आपके मजीद ये जो तीन एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताया डिफ़ॉल्ट रिस्क फिर ड्यूरेशन है फिर यूनिट ऑफ अकाउंट है ये तीन चीज़ें कंसिडर होंगी एट द टॉप ऑफ द बैंक रेट और फिर आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा या डिटर्मिन होगा कि आपको कितना चार्ज करना है